आज की वीडियो में बात करेंगे कि कोटक न्यू एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। इनमें से आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन अकाउंट का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नंबर होता है जो मोबाइल नंबर, वो आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना होता है। याद रहे कि आपके इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने चाहिए और ये आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपको केवाईसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट प्लान का, यानी कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं तो आप इनमें से चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्लान है ट्रेड फ्री यूथ प्लान और सेकंड है आपका ट्रेड फ्री प्लान। आप इनमें अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको इनके चार्जेस के बारे में जानना है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर यूज करते हैं उस पर 16 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाता है, जो कि आपको इन कॉलम के अंदर अपना ओटीपी फिल करना है और नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस का, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना एक्सपीरियंस है वो आप यहां पर दिखा सकते हैं। जैसे कि आप नए हैं तो आप बिगनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि 0 से 2 साल के बीच में जिन्हें एक्सपीरियंस है वो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है कैजुअल ट्रेडर्स, यानी कि जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि 2 से 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे आते हैं एक्सपर्ट ट्रेडर्स, जिन्हें अच्छी जानकारी होती है तो उन्हें 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक कंसल्ट आपको दिखाई देती है, तो आपको इस कंसल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर लेना है। देखिए, अब हमारे सामने यहाँ पर कुछ स्टेप शुरू होते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे कि हमारे पैन कार्ड की डिटेल, तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना होता है। इसके बाद आपके जो पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है वो आपको इस कॉलम के अंदर फिल कर देना है। आप कैलेंडर का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आता है प्रोसीड टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन विद आधार, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड के यहाँ पर परमिशन देनी होती है, तो इसके लिए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज है जो हमारा आधार कार्ड नंबर मांगती है, तो यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा आधार नंबर फिल करने का। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर इस कॉलम के अंदर डालना होता है। इसके बाद जो आपको यहाँ पर कुछ कैप्चा दिखाई देते हैं वो सेम टू सेम आपको इस कॉलम के अंदर फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, जो भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर यूज करते हैं आधार कार्ड से लिंक होता है, उसी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो ओटीपी आपको इस कॉलम के अंदर फिल कर देना है और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर जो डिजी लॉकर आप यहाँ पर बनाते हैं उस पर आपको 16 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन बनाना होता है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है डिजी लॉकर को तो आपको यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन बनाना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सिक्योरिटी पिन क्या है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का, इस पर क्लिक करके अपना सिक्योरिटी पिन आप यहां पर बना सकते हैं। कुछ बेसिक सी डिटेल आपको यहां पर फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके बाद जो आप सिक्योरिटी पिन बनाते हैं आपको इस वाले कॉलम पर फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होती हैं, जैसे कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को परमिशन देनी होती है, तो हम इन दोनों वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, इसके बाद हमारे सामने कुछ डिटेल शो की जाती हैं, आपका नाम जो कि आपके पैन कार्ड के हिसाब से होता है, आपका पैन कार्ड नंबर और इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन की जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मदर नेम का, जो भी आपका माता का नाम चलता है आपको उनके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपके पिता का नाम क्या है वो आप अपने पैन कार्ड पर भी देख सकते हैं। ये डिटेल भरने के बाद अब हमारे सामने जेंडर का एक ऑप्शन आता है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इनमें से आप चॉइस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस शो करना होता है। नीचे की ओर आपको एक कॉलम मिलेगा, इसके अंदर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, कंटिन्यू का इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड चॉइस ऑफ नॉमिनीज का, यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल फिल करनी होती है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ए नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल देनी होती है, जैसे कि आपका नॉमिनी से क्या रिलेशन है, आपकी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, आपका नॉमिनी का एड्रेस और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ भी दिखाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना नॉमिनी बाद में ऐड करना, आई डोंट वांट टू
एड नॉमनी, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इसके बाद हमारे सामने एक टर्म्स ऑफ यूज आता है, तो इसको आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपके सामने ईमेल आईडी वेरीफाई करने का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप मैन्युअली तरीके से भी अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी कोई भी ईमेल आईडी चॉइस कर सकते हैं जो कि आपके मोबाइल में ओपन होती है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी चॉइस कर ली है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ऑप्शन आता है स्टेप नंबर 2 का, तो यहाँ पर हमें अपना मैरिटल स्टेटस दिखाना होता है, जैसे कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या डिवोर्स है आपका, तो इनमें से आपको अपने हिसाब से चॉइस कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईयरली इनकम दिखानी होती है कि आप साल का कितना कमाते हैं, तो आपको इनमें से चॉइस कर लेना है, जैसे कि आप 25 लाख, 10 से 25 लाख, 5 से 10 लाख, 1 से 5 लाख, या फिर आप यहाँ पर लेस देन वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जितनी भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आपके बैंक अकाउंट लिंक करने का। जो भी आप यहाँ पर बैंक अकाउंट देखते हैं, सिंपल सा आप इन पर क्लिक करके लिंक कर सकते हैं अगर आपकी बैंक यहाँ पर होती है। अगर आपको अपनी बैंक नहीं मिलती है तो एक ऑप्शन मिलेगा सर्च ए बैंक का, तो आपको इस पर क्लिक करके अपनी बैंक को सर्च कर लेना है। अब आपको जो भी अपनी बैंक सर्च करनी है या फिर ऐड करते हैं तो उसका यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, इसके बाद दोबारा से उसे कंफर्म करना होता है। देखिए अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करना है, और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अपनी कैप्चर करने के लिए एक ऑप्शन आता है, सेल्फी आपको अपलोड करनी होती है, तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। इससे आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अच्छी सी एक सेल्फी यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। देखिए जैसे ही आप सेल्फी अपलोड कर देते हैं तो अब हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा अपलोड सिग्नेचर का, तो इसके लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपको जैसे सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला टेक ए फोटो, यानी कि आप इंस्टेंट ही फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप फोटो लाइब्रेरी से क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर है जो अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह का ग्रीन ऑप्शन दिखाई देता है, आप चाहें तो इन्हें व्यू भी कर सकते हैं। नीचे की ओर ऑप्शन मिलेगा एक्टिव एफ एंड ओ सेगमेंट का, आप चाहें तो यहाँ पर अपना फीचर एंड ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर अपना एफ एंड ओ यूज करते हैं तो एफ एंड ओ यूज करने के लिए, यानी कि फीचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेशन करने के लिए, आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो कि आपके इनकम प्रूफ को दर्शाता है, जैसे कि आपका डीपी स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 16, ITR, 6 मंथ का आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप या नेटवर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना सेगमेंट है जो ऑन कर लिया है, यहाँ पर हमने अपनी सैलरी स्लिप लगा दी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिलेशनशिप का, डिक्लेरेशन का, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर प्लान का जो प्राइस है वो दिखाया जाता है, कि जैसे कि आपका ट्रेड फ्री यूथ प्लान है, इसका जो प्राइस है वो 299 रुपये है, जो कि घटाकर कम कर दिया गया है, प्लस यहाँ पर GST आपका मेंशन किया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी यहाँ पर प्लान चॉइस करते हैं उसके लिए आपको एक फीस पे करनी होती है। आप यहाँ पर UPI ID, नेट बैंकिंग, इन तरीके से आप यहाँ पर आपकी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं तो इसके बाद आपका डीमेट अकाउंट है जो ओपन कर दिया जाता है, और आपके जो आईडी पासवर्ड में आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान है। अगर आपको इनके चार्ज के बारे में बात करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।